21 अक्टूबर 2022 को मेरे नौकरी करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। आज हमने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें अतिथियों का सम्मान, पौधरोपण, साथ में हमारे बीच में विद्यालय के प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी हैं। हम विद्यालय में कुछ प्रयास किए हैं पौधों को डेवलप करने का, तो आपके सामने एक आम का पौधा दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे बीजू था और हमने इसमें ग्राफ्टिंग किया और एक पौधे में तीन तीन चार चार प्रजाति जो है कि लग गई है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक आम लगा हुआ है जो इस साल की ग्राफ्टिंग थी, इतना स्प्राउट कर गया। ये प्रजाति दूसरी है, एक यहाँ लगा हुआ है, यह अल्फांजो है, और उसके बाद में एक आम यहाँ लगा हुआ है जो आपका पीछे एक विद्यालय की वेराइटी है। तो ये तो एक पेड़ में तीन पौधे तैयार हो गए आई सर। और यहाँ आप देख रहे हैं एक पौधा जो प्रकृति का बड़ा अनमोल है, इसे लोग इंसुलिन के पौधे के नाम से जान जाते हैं, जो शुगर के मरीज हैं इसका प्रयोग करते हैं। आज इसकी डिमांड बहुत है, लोग जो है कि इसको मांगते हैं। एक पौधा ये लगा हुआ है, ये बारहमासी सहजन है। सहजन चाहे पत्तियाँ हो, फल हो, जड़ हो, तने हो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इसको मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम से माउंट आबू से मैं लाया था और डॉक्टर एस एन सिंह जहाँ मैं रहता था तो वहाँ मैं उगाया। उसके बाद जगह जगह मैंने स्प्राउट किया। और इस पौधे के बारे में मैं जब लाया था तो गुरुदेव नगर मठ से लाया था, तो बाबा जी ने हमसे कहा कि ये लाल चंदन है। कुछ दिनों बाद मैंने किसी से सुना कि गुगुल का पौधा है, लेकिन अभी एक मिर्ज़ापुर के जो 40 वर्षों से नर्सरी में काम करते हैं भगवान दास जी, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, ये तो भोजपत्र है, इसी पे पुराने ज़माने में जो शास्त्र लिखे जाते थे वो देखिए भोजपत्र, इसके छिलकों पे या इस पे दस्तावेज के रूप में लिखने के बाद ये रख दिया जाता था जो आज कागज़ का प्रयोग होता है। तो ऐसे में यह मैंने अब्दुल कलाम आज़ाद जी के श्रद्धांजलि स्वरूप लगाया था। आज इतना बड़ा आपका पौधा हो गया है। यहाँ आप एक पौधा देख रहे हैं, बड़ा कौतूहल का विषय है इस पौधे का। इसको लोग लौकी का पौधा, लौकी के पौधे के नाम से जानते हैं। और इसकी खूबसूरती देखिए, ये तो ऑर्नामेंटल वाद्य यंत्र बनाने के लिए, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि लौकी की तरह सब्जी में प्रयोग होता है जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, पूरी सब्जी काली हो जाती है। और ये पौधा भी मैंने गुरुदेव नगर मठ से तैयार करके मैं यहाँ पर लाया था। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आम के कुछ बीजू पौधे हैं जो हमने प्रयास किया है। हमारे विद्यालय में चार पांच तरह के आम थे तो हमने कलम बांध दिया ग्राफ्टिंग। एक ये वेराइटी है आम्रपाली, दूसरी आपकी यह वेराइटी तैयार है, यहाँ बहुत अच्छा फल है, ए अल्फांजो है। तो इसमें भी तीन प्रजातियाँ आपकी लग चुकी हैं। साथ में ऐसे जनरल तो बहुत से उपयोगी पौधों के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं हींग का पौधा है, लोग बड़े कौतूहल के दृष्टि से देखते हैं, हींग का भी पौधा है। तो ये हींग का पौधा है, इसके आगे आप पढ़ेंगे तो लोग कोरोना काल में हाथ धोने के लिए जो है कि साबुन का प्रयोग करते थे। तो नेचुरल जो है कि साबुन आपके प्रकृति में है जिसका नाम है रीठा, वो रीठा का पौधा है, फलता है। आप अगर पानी से हाथ धोएं तो आपका हाथ साफ हो जाएगा। इधर आप देख रहे हैं यहाँ भी एक बारहमासी सहजन है, वो तो सभी लोग जानते हैं जो मीठी नीम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो भी पौधे लगे हैं किसी न किसी के यादगार में जो कोई भी है व्यक्ति आता है, तो मैं तो प्रतिदिन पौधरोपण करता हूँ। आज के कड़ी में जो हमने पौध लगाया वो ये आपके सामने है, जो आम का कलमी पेड़ है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। इसकी पत्तियाँ देखें कितनी खूबसूरत है। वह विद्यालय में स्वर्ण रेखा का रोपण माननीय कोषाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी के कर कमरों द्वारा 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर, ये आप देख रहे हैं आम्रपाली का पौधा है। विद्यालय में कार्य शिक्षिका थी चंद्र किरण सिंह जी, वो दो तीन सालों से अपने जन्मदिन पे अपने पैसे से पौधरोपण करती थी, तो ऐसे में उन्होंने एक पौधा लगाया था जो